प्रगतिशील भोजपुरी समाज और प्राउटिस फोरम के संयुक्त तत्वाधान में 14 जुलाई को बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर हॉल में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आर्थिक लोकतंत्र एक कदम आर्थिक आज़ादी की ओर विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राजेश सिंह शहर के शिक्षाविद, चिंतक, बुद्धिजीवी, छात्र, युवा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी प्राउटिस फोरम के राष्ट्रीय महासचिव निरंजन कुमार ने शनिवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस दौरान प्राउटिस फोरम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, दिलीप मुखर्जी, राजेश राय, आलोक सिंह, संजय तिवारी, विकास मुखर्जी, डॉक्टर राम नयन, पीयूष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। मैं निरंजन कुमार हूँ, प्राउटिस फोरम का जनरल सेक्रेटरी, और हम लोग जो आज यहाँ एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं कल, जिसमें हम आर्थिक लोकतंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग प्राउटिस फोरम की तरफ से और हमारा जो एक समाज आंदोलन है प्रगतिशील भोजपुरी समाज के तत्वाधान में जो सेमिनार होने जा रहा है, उसमें हम बताने जा रहे हैं कि ना अब जो है एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें सरकार की भागीदारी, समाज की भागीदारी और उद्योग नीति, कृषि नीति और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सारी पॉलिसी में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो बेरोजगारी की समस्या है उस समस्या को बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म कर सकें।